जोकरपुर नाम का एक भयानक गांव था। उस गांव में जोकर ही जोकर थे। लगता है अब हमारे बॉस का समय हो चुका है, वो चिंटू पिंटू हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ, उन लोगों ने तो बहुत बुरी तरह हरा दिया हम लोगों को। मुझे तो नहीं लगता हमारा बॉस उनसे जीत पाएगा। उनका बॉस आ जाता है। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज्यादा बोल रहे हो? नहीं बॉस, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, तो इसका इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए। बॉस, मैं भी आपकी तारीफ कर रहा था, मुझे भी इनाम चाहिए। बॉस उन्हें बहुत अच्छा इनाम दे देता है। बॉस माफ कर दो, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। लगता है उन चिट्टू पिंटू को उनकी औकात बतानी ही पड़ेगी। कोई ना कोई उनकी मदद करता ही रहता है सर। इस बार मेरा प्लान सुनो, इस बार वो नहीं बच पाएंगे। तब वो जोकर बॉस अपना खतरनाक प्लान उन लोगों को सुनाने लगा। ऐसे करेंगे उन बच्चों का मुकाबला। हा, 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 हा। सर, आपके जो दुश्मन थे वो दोनों खत्म हो चुके हैं, अब आगे किसे खत्म करना है बताइए। अब तुम कुछ मत करो, अब जो भी करेंगे ये दोनों करेंगे। हंसो। हंसना है क्या? वे चिंटू पिंटू के गांव में आ जाते हैं। अरे वाह, इनका गांव तो बहुत मस्त दिख रहा है। नीला सिंह जोकर और चिंटू पिंटू बहुत होशियार है, वो हमें पहचान लेंगे। हमें बहाना बनाना पड़ेगा कुछ तो। तुम दोनों तो वही जोकर हो जिन लोगों ने हम पर हमला करने की कोशिश की थी। लगता है ये लोग फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बाबा नहीं, हम तुम पर हमला करने नहीं आए, पिछले बार बहुत मारा था तुम लोगों ने। तो हमारे गाँव में क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ चिंटू पिंटू, और ये लोग कौन है? कुछ नहीं दादाजी, हम लोग आपके पोतों से मदद मांग रहे, पर वो हमारी मदद नहीं कर रहे। एक दिन की बात थी दादाजी, हम हेलीकॉप्टर से एक महंगी चीज लेकर जा रहे थे। अरे वाह, कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का। लल्लू, सिर्फ नजारे मत देख, उस सामान पर भी ध्यान दे। सर संभाल के, हवाएं चल रही यहाँ पे, इस वजह से पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर हिल रहा था। अरे रे, ये क्या हो रहा है, धीरे से चलाओ। तब वो चीज बहुत तेजी से आसमान से नीचे की ओर गिरने लगी। नीलू, नीलू जोकर, वो गिर गया। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम, अब तो हमारी शाम आने वाली है। उनका सामान एक वेल पर गिर चुका था। अरे नहीं, इतनी बड़ी वेल और उसके ऊपर सामान, और उनका नसीब की इतना खराब था कि वो वेल भी चली गई। अब हमें कौन बचाएगा? मुझे तो लगता है चिंटू पिंटू बचा लेंगे। तो इसके कारण हम लोग तुम्हारे पास आए हैं चिंटू पिंटू। ठीक है, हम लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। और किसी ने कुछ किया तो तुम लोगों को मैं देख लूंगा। अरे नहीं, ये लोग तो बहुत उल्लू है, ये लोग तो आसानी से फंस गए हमारे जाल में। जोकर तुम लोग जोकर ही हो, वो किसी काम के नहीं है और उनसे मदद मांग रहे हो। बच्चे, तुझसे मदद नहीं मांग रही है, तेरे लिए अच्छा है, चल सीधी गली पकड़ के निकल जा। और दोनों जोकर, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। चिंटू, हमने हाँ तो बोल दिया, पर इन लोगों पर मुझे भरोसा ही नहीं है। चल, कुछ गड़बड़ की तो उन्हें वहीं पर मार देंगे। ठोकने का मौका दूंगा तब ना, नहीं बचोगे तुम लोग। चलो चिंटू पिंटू, हमारा पीछा करते करते हमारे साथ चलो तुम लोग। ठीक है, हम आते हैं तुम्हारे पीछे। तब वो दोनों अपना टमटम टेम्पो लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वे लोग चिंटू पिंटू को लेकर चले जाते हैं, वो एक बड़े समंदर में थे। अब ये लोग हमारे चंगुल से नहीं बच पाएंगे, इन लोगों को हम खत्म कर देंगे। इन लोगों के पास तो हेलीकॉप्टर है और ये लोग हमें सिर से ले जा रहे हैं उस आइलैंड पे। चिंटू पिंटू थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फिर हम तुम लोगों को जन्नत दिखाएंगे। क्या एडजस्ट कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। वे लोग अपने सफर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो समुंदर बहुत खतरनाक था, उसमें कई शार्क्स भी थी। अरे वाह, यहाँ पर तो शार्क्स भी है, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। गधो, अब काम आसान नहीं होने वाला, मुश्किल होने वाला है, पानी भी नहीं उतर सकते अब। तू जरा शांत रहेगा, चल काम शुरू कर अपना। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे नहीं, अब यह क्या मुसीबत है, इतनी बड़ी सिप हमारे रास्ते में है, अब हम लोग क्या करेंगे जोकर्स, जल्दी बताओ। हम लोगों को पता नहीं ये सिप कैसे आ गई, जल्दी से कुछ तो करो, तुम भी बचो हम भी बचते हैं। हम कैसे कुछ कर सकते, इस सिप का कंट्रोल भी तुम्हारे पास है। वो बड़ी सिप उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जोकर्स तो बच जाते हैं, पर चिंटू पिंटू का पता नहीं था। पार्टनर कॉन्ग्रेचुलेशन, उन सब का खेल खत्म हो चुका होगा अब तक। मुझे भी यही लगता है, पर चल एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। हाँ वैसे यह भी सही है।
तब वे लोग चिंटू पिंटू की शिप की तरफ जाने लगे। अरे नहीं, पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो गया। ये सब तो ठीक है। अच्छा हुआ जोकर जी, आप लोग भी ठीक है। हमें तो हमारे रोबोट ने बचा लिया। क्यों, दुख हो रहा है या सच में अच्छा लग रहा है हमारे लिए? रोबोट यार ऐसा मत बोलो, हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में, हम सच में बदल चुके हैं। हाँ रोबोट छोड़ दो, हमें भी नहीं लगता कि इन्होंने कुछ किया है। थैंक यू चिंटू पिंटू, थैंक यू। चलो अब आगे जाते हैं। जिस आइलैंड पर वो चीज गिरी थी उस आइलैंड पर वो लोग अब पहुंच जाते हैं। तो इस आइलैंड पर तुम्हारी वो चीज गिरी थी, सही है ना? हाँ रोबोट एकदम सही, हमारी चीज इसी आइलैंड पर गिर गई थी हेलीकॉप्टर से। तो तुम लोग रुक क्यों गए हो? चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं उसे जल्दी से। हाँ चिंटू पिंटू तुम चलो आगे, हमारे शिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक करके हम आते हैं तुम्हारे पीछे। अरे नहीं, क्या मुसीबत है, बहुत मुश्किलें आ रही रास्ते में। तब उस अनजान चीज को ढूंढने के लिए चिंटू पिंटू समंदर की ओर जाने लगे। जाओ चिंटू पिंटू जाओ, तुम लोग हमारे हमले से नहीं बच पाओगे। अब चिंटू पिंटू उस भूखी शार्क का शिकार हो जाएंगे। हमें तो पता भी नहीं वो चीज क्या है और ये हमें आगे भेज रहे हैं। तब अचानक चिंटू पिंटू के शिप पर एक भयानक तरीके से आग लग जाती है। अब ये लोग क्या करेंगे, उन्हें पानी में जाना ही होगा और वो शार्क उन्हें खा लेगी। अरे नहीं, ये आग कैसे लग गई? चलो चिंटू जल्दी पानी में चलो। हाँ सर, जल्दी से पानी में चलिए, यार इतना सेफ नहीं है। चलिए, हमारा प्लान कामयाब हो गया ब्रदर। चिंटू पिंटू पानी में आ जाते हैं और उनकी शिप डूब जाती है। अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो आज तो मरना ही पड़ता हम लोगों को। तब उनकी तरफ एक खूंखार शार्क बढ़ने लगी। सर आप लोग पीते रहिए, यहाँ पर एक शार्क है, मैं उसे देखता हूँ। तब रोबोट एक छलांग लगा कर उसे डरा देता है और वो वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं, फिर से इस रोबोट ने सारा प्लान खराब कर दिया। अच्छा हुआ सर मैं आपके साथ था, नहीं तो आज आपको खा डालती। हाँ रोबोट, आज तो तुमने हमें दो बार बचा लिया। चलो उनसे सवाल पूछने हैं मुझे कुछ। आओ आओ, हम भी तैयार है तुम्हारे सवालों के लिए। तब रोबोट उनकी शिप की चेकिंग करने लगा। हाँ सर, ये झूठ नहीं बोल रहे है, इनकी शिप सच में खराब है। अच्छा हुआ तुम्हारी शिप सच में खराब है, नहीं तो उसे शाख को खिला देते तुम लोगों को। भरोसा रखो चिंटू पिंटू, हम सच में बदल चुके, हम तुम्हें क्यों मारेंगे। हाँ ये वैसे तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। उस चीज को ढूंढते ढूंढते अब पूरी रात हो चुकी थी। अरे नहीं, वो लोग कहाँ चले गए हमें इतनी रात में यहाँ छोड़ के। अरे नहीं, अरे वाह, उनका रोबोट अब कमजोर हो चुका है। अरे नहीं रोबोट, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सर मेरे सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट हो चुका है, अब मैं किसी से फाइट नहीं कर सकता। अब यहाँ के आदिवासी इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। लगता है ये सब वो लोग ही कर रहे हैं, जब भी मुसीबत आ रही है वो हमारे पास नहीं होते। एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ, उसमें हम सुबह तक सुरक्षित रह पाएंगे। देखते हैं कितनी देर सुरक्षित रह पाओगे। क्या लगता है, मुझे तो लगता है उन आदिवासियों ने उन लोगों को मार दिया होगा अब तक। पर चिंटू पिंटू पूरी तरह सही सलामत थे। अरे नहीं, ये बच्चे तो बार बार बच जा रहे हैं। अरे नहीं, रोबोट ने तो इनकी भाषा डिकोड कर ली। अब चिंटू पिंटू ने उनकी शिप को जला दिया। अरे नहीं, चिंटू पिंटू ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ दिया। वो शिप डूब जाती है और उनकी तरफ एक शार्क आने लगी। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे।